अलमेकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर थ्री मैथ्स एंड वेट स्टूडेंट्स मैथ्स एंड वेट के दरम्यान डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले देखते हैं मैथ्स क्या है एंड देन हम वेट की बात करेंगे इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद आप कम्प्लीटली इनडिस्टोर्ड हो जाएंगे कि मैथ्स एंड वेट जो है कम्प्लीटली टू डिफरेंट क्वान्टिटीज़ है दे आर नॉट सेम एक्चुअली ओके, okay. so, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की स्टूडेंट्स मैथ्स uh, जिसका फर्स्ट पॉइंट है मैथ ऑफ अ बॉडी एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट अब फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि मैथ एक्चुअली क्या है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी मैटर की मेदार या किसी भी मटेरियल के अंदर किसी क्वांटिटी की मेदार मैस के लाता है ठीक है यानी अगर आपकी आसानी के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूं ये एक बाल है ठीक है अब ये बाल छोटे 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 आयरन पीसीस से बना है अब इस पूरे बाल के अंदर आयरन की कितनी क्वांटिटी है वही इस बाल का क्या है मैस है ठीक है तो आप यूं समझ लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी मैटर के अंदर इट्स अ सॉलिड आयदर इट्स अ लिक्विड आय इट्स अ गैस सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर किसी भी चीज की क्वांटिटी जो है उस सब्जेक्ट का मास कहलाता है ठीक है जैसा कि ये एक बाल है आयरन बाल अब इस आयरन बाल के अंदर सपोज करते हैं कि अगर आ, 80 ग्राम आयरन है ठीक है तो इस आयरन बाल के अंदर 80 ग्राम आयरन क्वांटिटी जो है आयरन का मैस के लाएगा इस बाल का मैस के लाएगा बिकॉज छोटे 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 पार्टिकल से मिल आयरन बाल है, तमाम पार्टिकल का जो कंबाइन मैस होगा दैट विल बी 80 ग्राम और 80 ग्राम जो है ये इसका मैस के लाएगा ठीक है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वान्टिटी या मकदार जो है दैट इज़ अबाउट मैथ्स सेकेंड स्टूडेंट्स क्या है सेकेंड थिंग इज दैट इट इज आ स्केलर क्वान्टिटी मैथ्स एक स्केलर क्वान्टिटी है स्केलर क्वान्टिटी से क्या मुराद है कि कैलेट सपोज अगर तो आप मैथ्स के साथ डील कर रहे हैं ठीक है मैथ्स के साथ और कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैथ्स आपने कैलकुलेट किया है फाइव के जी स्टूडेंट्स अब इस 5 कीजिए मैथ्स का आपसे कोई डायरेक्शन नहीं फाइंड करने को कहेगा ये अगर आप से कहें आप किसी को कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इस ऑब्जेक्ट का मैथ्स 5 कीजिए तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि इस 5 किलोग्राम का आ, जो मैथ है वो किस डायरेक्शन में है बिकॉज मैथ इज ओनली स्पेसिफाइड बाई य मैग्नीचूड ओनली ठीक है मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीच्यूड होता है ठीक है इसकी डायरेक्शन नहीं होती सिमिलरली इसके जितने भी यूनिट्स हैं ठीक है फाइव ग्राम फाइव के जी ना फाइव ग्राम एंड फाइव के जी बोथ ओनली स्पेसिफाइड बाई मैग्नीट्यूड ओनली एंड नेवर एक्सप्लेन बाई अ डायरेक्शन क्लियर सेमिलरली आप जब घर से जाते हैं और आप घर से जाने के लिए आपको कहा जाता है कि आप एक किलो एप्पल ले आए ठीक है आप वन के जी एप्पल लेने जाते हैं लेट सपोज ठीक है वन के जी एप्पल तो शॉपकीपर क्या करता है आपको वन के जी का वन के वन के जी का जस्ट वन थाउजेंड ग्राम पूरा करके देता है ठीक है वन के जी इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम एंड देन वो एप्पल आप वापस ले आते हैं अब आपको जब वो वन के जी का वन थाउजेंड ग्राम पूरा करके देता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे वो डायरेक्शन की बात पूछे कि आपको वन थाउजेंड ग्राम एप्पल या वन के जी एप्पल किस डायरेक्शन में चाहिए इट ड मेक सेंस ओके सो दैट्स वाई वेन यू आर डील विद देन मैथ ओनली अ क्वांटिटी ओनली अ क्वांटिटी ओके ऑफ मैटर दैट कंटेड इन इट क्लियर और सेकेंड थिंग हमने पढ़ी कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इट डजेंट नीड एनी डायरेक्शन सिंपल थर्ड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट कहता है कि इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज के जी हम इसको किस में मेयर करेंगे किलोग्राम में ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है अब होता क्या है कि जब हम डेली लाइफ में डील करते हैं ठीक है सब्जी लेने जाते हैं या फ्रूट लेने जाते हैं तो आप जब फाइव के जी लेट सपोज अगर आप ऑनियन लेके आते हैं एंड दैट सेंस फाइव के जी स्टैंड फॉर फाइव थाउजेंड ग्राम नाउ के जी एज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैथ एंड फाइव इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और फाइफ आपको बताता है कि मैग्नीट्यूड क्या है क्वांटिटी क्या है आपको ऑनियन की कितनी क्वांटिटी चाहिए फाइव के क्वांटिटी चाहिए देन फाइव थाउजेंड ग्राम जो है वो आपको शॉपकीपर पूरे करके देता है ऑनियन एंड देन आप उसको होल्ड करके घर ले आते हैं ठीक है एंड दैट केस हम जब भी मैच की मेयरमेंट करते हैं वो सिस्टम इंटरनेशनली किलोग्राम में करते हैं ठीक है फोर्थ पॉइंट क्या कहता है फोर्थ पॉइंट स्टेट्स दैट द मैथ ऑफ अडी इज कांस्टेंट एंड डॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये आपको बात पता होनी चाहिए कि मैथ ऑफ अ बाडी जो है एट इज कांस्टेंट एवरीवेयर जब आप बात करते हैं कि किसी भी ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इसका मैथ है टेन के अब ये टेन के जी आप इसको अर्थ पे रखें ठीक है अर्थ पे भी ये मैथ सेम रहेगा टेन के जी रहेगा आप इसको स्पेस पे ले जाएं, ठीक है अर्थ से ऊपर ले जाएं, तब भी ये टेन के जी ही रहेगा स्टूडेंट्स आप इसको प्लैनेट्स पे ले जाएं, तब भी इस ऑब्जेक्ट का मैथ ठीक है प्लैनेट्स पे अगर आप ले जाते हैं तब भी इस सब्जेक्ट का मैथ टेन के जी ही रहेगा इट विल नेवर चेंज इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इसका मतलब ये है कि मैस ऑफ अ बॉडी विल बी कांस्टेंट एवरी एयर ठीक है सिमिलरली जो स्टार्ट में मैंने आपको बाल की मिसाल दी थी आप अगर इसको इतने स्पीड से हिट कर ले कि ये स्काई को टच कर ले ठीक है स्काई को अप्रोच कर ले और किसी दूसरे प्लेनेट में चला जाए तो सपोज करते हैं कि इसका मैस जो है वो हंड्रेड ग्राम है इट विल बी द मेन हंड्रेड ग्राम ऑन द प्लानट इट विल नेवर चेंज्ड क्लियर तो मैथ्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इवन uh, हम ह्यूमन बीइंग ठीक है अगर हम भी ठीक है अर्थ के ऊपर हैं ठीक है दिस इज द अर्थ और हमें उठा के किसी मून uh, पे ले जाया जाए ठीक है या सन पे ले जाया जाए तो हम क्या करेंगे हमारा जो मैथ होगा ठीक है वो स्टूडेंट्स चेंज नहीं होगा इट विल बी रिमेन सेम इट विल नेवर चेंज इट विल कांस्टेंट एवरीवेयर So keep in mind, mass of a body is constant. The last point students, the mass of a body कैन नॉट be zero. Keep in mind, the mass of a body कैन नॉट बी जीरो अब देखें अगर आप मैस ऑफ अ बॉडी जीरो कर देते इसका मतलब ये है कि आपने तो मैटर ही जीरो कर दिया अगर किसी मैटर का ये मेटेरियल का आप कह दो mass ही जीरो है इट means के मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता material पाया ही नहीं जा रहा सो इट्स नेवर बी जीरो और सेकेंड थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वट स्टेट दैट एफ इज इक्वल टू एम ए स्टूडेंट्स अगर आप ये कहते हो कि किसी बाडी का मैस इनकेस जीरो हो जाए ठीक है तो ऑबियसली यू विल पुट जीरो इन प्लेस ऑफ मैथ क्रॉस एक्सेलरेशन तो जब मैथ ही नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो फोर्स भी जीरो इसलिए जितनी लॉज है जितना लॉ है और जितनी थ्योरी है सारी वायलेट कर जाएगी तो मैटर होगा तो फोर्स होगी और बॉडी एक्सेलरेट करेगा मैटर ही नहीं होगा तो ना फोर्स होगी ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो मैटर के नेवर भी ज़ीरो ठीक है अगर कोई छोटा सा छोटा पार्टिकल भी है स्टूडेंट्स एक छोटा सा जरा भी है उसका भी मैस है ठीक है इट शुड हैव सम क्वांटिटी ऑफ मैस सो मैस के नेवर भी ज़ीरो ठीक है अगर किसी चीज़ का स्टूडेंट्स फोर्स है किसी चीज़ के अंदर फोर्स है तो लाजमी सी बात है, वो फोर्स किसी मैथ्स पे एक्ट कर रही होगी और कोई बॉडी एक्सलिट कर रहा है तो ओबियस स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट्स uh, मोशन में रह के वो एक्सलरेट हो रहा होगा इन उस सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मैस होगा तो एक्सलरेट करेगा अगर उसका मैस ही नहीं होगा तो नो एक्सलेशन नो फोर्स ऑल क्वांटिटी विल बिकम जीरो सो मैस केन नेवर वी जीरो ठीक है मैस ऑफ अ बॉडी ऑलवेज विल बी सम क्वांटिटी सो ये हमने समराइज करते हैं हमने कहा कि मैस किसी बॉडी की वो मिकदार होती है क्वांटिटी होती है जो किसी मटेरियल के अंदर पाई जाए टोटल मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है वो उसका मैस कहलाता है स्टूडेंट्स। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है सिस्टम इंटरनेशनली इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं मैस ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट रहता है इवन इफ यू ब्रिंग दैट मैस इनटू मून एंड टू अदर प्लैनेट्स इट विल रिमेन सेम इट विल नेवर चेंज ओके एंड द फोर्थ पॉइंट मैथ ऑफ अ बॉडी केन नॉट बी जीरो इट विल यू नो सेम एवरीवेयर इन एट के नॉट बी जीरो चूंकि स्टूडेंट्स देखा जाए तो मैथ्स एक फिजिकल क्वांटिटी है मैथ इज अस एक फिजिकल क्वांटिटी है और चैप्टर वन में आपने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जो Under measurable quantity हो, जिसको मैर किया जा सके सो मैथ इज दि बी मैरेबल तो मैथ करने के लिए हम दो तरह के बैलेंस यूज करते हैं एक बैलेंस यहां पर गिवन है इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स अकॉमन बीन बैलेंस बीन बैलेंस क्लियर कॉमनली यूज होता है शॉप पे कोई मैथ को मैर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अकाम बीम बैलेंस होता क्या है कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं वन के जी का स्टोन टू के जी का स्टोन फाइव के जी का स्टोन ठीक है फाइव के जी का स्टोन थोड़ा बड़ा होता है ठीक है वन के जी टू के जी फाइव के जी थ्री टाइप्स ऑफ स्टोन होते हैं इसके पास अब देखा यह जाता है कि इस साइड पर जब वन के जी का स्टोन रखा जाता है तो आप लेट सपोज अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे आ, वन के जी एप्पल दे दें तो यहाँ वन के जी एप्पल जो है वो रखे जाते हैं और इसको बैलेंस किया जाता है लेफ्ट साइड के वन के जी मैस के साथ सो so, ये कॉमनली बीम बैलेंस यूज होता है जो आप शॉप पे कोई भी फ्रूट वगैरह वेजिटेबल परचेस करने जाते हैं तो बीम बैलेंस को आप देखते हो कि मैच को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है तो जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता शॉपकीपर इसमें एप्पल पुट करता चला जाता है व्हेन इट्स बैलेंस्ड देन वन के जी बैलेंस्ड हो के बिल्कुल जब तक ये बैलेंस नहीं होता तो ये जो राइट uh, साइड right का तराजू है ये नीचे को झुका रहता है और ये ऊपर को जाता है ठीक है चूंकि ये मैस ज्यादा होता है ये मैस कम होता है सो ये नीचे को झुक जाता है जैसे जैसे इस पर एप्पल डालते चले जाते हैं सो बोथ विल बी इट सेम स्टेज क्लियर सो आइए आपको फिर सेकेंड बैलेंस के बारे में बताते हैं एक सेकेंड बैलेंस है जिसको कहा जाता है स्टूडेंट्स केमिकल बैलेंस केमिकल बैलेंस स्टूडेंट्स केमिकल बैलेंस एज अ टाइप ऑफ बैलेंस विच इज यूज फॉर दूरेट मेयरमेंट ऑफ मैथ इन साइंस लेबॉरट्री ये साइंस लेबॉरट्री में यूज होता है अक्सर आप टेंथ के प्रैक्टिकल करते हैं नाइन्थ क्लास के प्रैक्टिकल करते हैं तो आप केमिस्ट्री के जब केमिकल लेते हैं ठीक है केमिकल लेते हैं उस केस में आप इक्वल प्रोपोर्शन लेफ़्ट साइड या राइट right साइड दोनों पर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स रखते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए इन दैट केस आप उसके लिए ऐसा केमिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं केमिकल बैलेंस आपको दोनों रिएक्टेंट्स के दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए रिएक्टेंट्स uh, को इक्वल प्रोपोर्शन लेने के लिए यूज़ किया जाता है लेफ्ट साइड right पे जब आप लेट uh, सपोज अगर आपने सोडियम uh, को रिएक्ट करवाना हो क्लोरीन के साथ ओके स्टूडेंट्स एन बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप राइट right साइड पे ले लेते हैं सोडियम की ठीक है लेट सपोज टेन ग्राम ऑफ केमिकल ले लेते हैं सोडियम का और टेन uh, ग्राम ले लेते हैं क्लोरीन का राइट right साइड पे इक्वल प्रोपोर्शन लेने के लिए आप जब तक ये इसकी एक साइड झुकी होती है आप तब तक क्लोरीन डालते रहते हैं जब वो सोडियम के बराबर आ जाता है तो आप इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट लेने के लिए ऐसा केमिकल बैलेंस यूज करते हैं तो ये तमाम वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मैथ्स को समझने में हेल्प करता है अब मैथ्स के लिए देखें क्वांटिटी ली जा रही है एप्पल आप लेने गए तो एप्पल की क्वांटिटी ली गई आपको वन के का वन ग्राम पूरा करके दिया गया इट मीन्स के डजन नीट एनी डायरेक्शन एट ओनली बी स्पेसिफाइड बाई अ मैग्नेट्यूड सिमिलरली आपने टेन ग्राम अगर एन ए लिया है सोडियम ठीक है तो टेन ग्राम uh, ही क्लोरीन लेंगे इक्वल प्रोपोजिशन लेने के लिए ठीक है अब टेन ग्राम इज वॉट एट्स अ मैथ एट्स अ क्वान्टिटी ऑफ क्लोरीन ठीक है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मैथ इज नथिंग बट अ क्वान्टिटी ऑफ अ मैटर ठीक है दैट्स इट आइए स्टूडेंट्स अब वेट को समझने की कोशिश करते हैं कि वेट क्या है स्टूडेंट्स वेट को समझने के लिए आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि वेट एक्चुअल में है क्या स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने कहा कि ये एक आयरन बाल है और इसमें आयरन की जितनी क्वांटिटी होगी ठीक है इस मटेरियल के अंदर आयरन की जितनी क्वांटिटी होगी वो इस आयरन बाल का मैस होगा अब मैं जब इस आयरन बॉल uh, को अर्थ सरफेस से पिक करता हूँ ठीक है इसको पिक करते हुए जब मैं रिलीज करता हूँ वाइट्स फॉल एवरी टाइम टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ सिमिलरली आई पिक द अनदर बॉल ठीक है आई पिक अनदर बॉल टू सम हाइट एंड लेट सपोज आई रिलीज दैट बॉल अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ अगेन देखिए बॉल किसी हाइट से नीचे को फॉल uh, करता होना तो ही चाहिए कि मैं जब इसको छोड़ता हूं तो ये सस्पेंड रहे नीचे को फॉल ना करे बट ऐसा क्या है जो इसको नीचे को खींच रहा है डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है मेरे लिए रिलीज करने के बाद डायरेक्ट एक ग्राउंड को टच करता है लुक एट दैट तो स्टूडेंट्स इट्स नथिंग बट अ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वेट इज अ फोर्स इच्स अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट दिस टू ऑब्जेक्ट toward the center of the earth. again, i repeat, weight is a force which attract these two balls toward the center of the earth. when i release that ball, then uh, due to the mass of these two balls and gravity of the surface of the earth, attract these two balls toward itself. look at that. why these two balls again and again fall toward the center of the earth? it means that there is a force means earth attracts everybody or object towards its center with a certain force which depend on what which depend on the mass of their body okay which depend on the mass of the body means the mass of these two balls and the acceleration due to gravity at that place now keep in mind as the acceleration due to gravity is same everywhere student the answer is no एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन एट नेवरीवेयर द एक्सलरेशन वक्से ड्यू टू ग्रेविटी आइए इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं जब आपने इस बाल को पिक किया तो आपने क्या किया कि इसको अर्थ की हाइट से उठा के यहां लेकर आए ठीक है नाउ अब इसका अर्थ से फासला कम है जो एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे है मैं जब और ऊपर लेके जाऊंगा एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स इस पोजीशन पे डिफरेंट होगी प्रीवियस पोजीशन से और ऊपर लेके जाने से और डिफरेंट होगी इट मीन्स के इट विल बी चेंज एवरीवेयर क्लियर सो दैट्स वाई

एंड द अदर वन ग्रेविटी ऑफ द करेंट प्लेस जो आपकी जिस प्लेस पे आप जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस प्लेस की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपके पास जी केल आती है सो so स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी बाडी का वेट क्या होता है ये वो फोर्स होती है वेद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड देंटर ऑफ द अर्थ सो यही फोर्स हमने एक्सपीरियंस किए इन टू बॉल्स के अंदर जब इन दो बॉल्स को हम किसी हाइट पर लेके गए तो चूंकि इसका कुछ ना कुछ मैस एम था और वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मौजूद है जब हम इसको लेकर जाते हैं किसी हाइट पे, देन ड्यू टू इट्स मैस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस द मैस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लाइक दैट ओके सो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं मैथ्स के बारे में हमने कहा था कि मैथ इज कांस्टेंट एवरीवेयर तो क्या वेट भी कांस्टेंट होता है एवरीवेयर द आंसर इज नो वेट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर बिकॉज वेट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी पॉइंट नंबर टू वेट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट सेम एवरीवेयर सो दैट्स वायर द वेट इज ऑल्सो नॉट सेम एवरी वेन जब जी एक्सेलेशन जो टू ग्रेविटी चेंज करेगा हर जगह पे यानी सर्फेस ऑफ द अर्थ पे कुछ होगा जब हम हाइट से ऑब्जेक्ट को उठाएंगे फिर जी के पहले कुछ होगी फिर और उठाई फिर और ऊपर लेकर गए तो हर स्टेप पे स्टेप बाई स्टेप पे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक्सेलरेशन जो टू ग्रेविटी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स एंड दैट केस वेट भी साथ साथ चेंज होगा ऑब्जेक्ट का ठीक है जैसा कि देखा जा सकता है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो आपके एक्सेलरेशन डो टू ग्रेविटी होती है आइए देखते हैं कि वो किसी भी वन के जी मैस के ऊपर कितनी एक्ट करती है और वन के जी मैस अगर कोई सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन डो टू ग्रेविटी एक्ट करता है लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सलेशन वेट uh, का फार्मूला है W इक्वल टू एम जी सो हमने कहा कि वन के जी मैथ्स वन के जी मैथ्स कोई भी ऑब्जेक्ट है और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली uh, देखी गई है वैल्यू ऑफ uh, G वो स्टूडेंट्स देखी गई है किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्वेयर क्लियर सो लेट्स सपोज इफ आई फाइंड दैट वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आएगा दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू 9.8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 9.8. सो 1 के क्रॉस मीटर पर सेकंड स्क्र नाउ अगर हम uh, वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को देखें वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एज देट वॉट एक्चुअली स्टूडेंट जस्ट मेमोराइज न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है इट स्टेड दैट एफ इजिकल टू एम एके एफ का यूनिट क्या है वन न्यूटन मैस का यूनिट है वन के जी का यूनिट है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो देन बाय डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं वन के जी क्रॉस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट वन न्यूटन सो दैट्स वाई आई प्लेस वन न्यूटन इन प्लेस ऑफ वन के जी क्रॉस मीटर पर सेकेंड स्क्र सो हम ये कह सकते हैं कि न के जी क्रॉस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू वन न्यूटन सो दट्स वाई आई कैन प्लेस वन न्यूटन हेयर तो हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन वट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दैट वैल्यू स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि 9.8 न्यूटन का मतलब यह है कि जो फोर्स एक्ट हो रही है यानी जो ऑब्जेक्ट एक्सलरेट हो रहा है द सेंटर ऑफ द अर्थ उस पर नाइन न्यूटन की फोर्स लगेगी यानी इतना वो डाउनवर्ड एट्रैक्ट होगा द सेंटर ऑफ दर्थ विज वन के जी विनस इज वन के जी सो ये हमने देखा इसमें हमने दो चीजें देखी कि जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है ठीक है तो वन के जी मैथ्स के ऊपर नाइन पॉइंट एट न्यूटन की वेट फोर्स जो है अट्रैक्ट कर रही होती है उस सब्जेक्ट को टू द सेंटर ऑफ द अर्थ थिंग हमने देखी कि वेट ऑफ द बॉडी विल बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डजेंट रिमेन सेम एवरीवेयर इट इट इज आल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दैट्स वायर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी आल्सो चेंज्ड ओके आइए स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि जब एक एक हम कांस्टेंट प्लेस पे हों जब प्लेस नहीं चेंज करते ठीक है हम लेट सपोज हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी बॉडी का वेट देख रहे हैं ठीक है अभी हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ से चेंज नहीं किया ठीक है हम एट अ गिवन प्लेस ठीक है किसी भी गिवन प्लेस के ऊपर वेट और मैस में क्या रिलेशनशिप होता है आइए देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर एट अ गिवन प्लेस पे वैल्यू ऑफ जी सेम होती है चंद पॉइंट्स जो हैं ये नोट कर लें आप एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन प्लेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम यानी अगर आपको कह दिया जाए कि आप अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ जी की बात करें देन स्टूडेंट्स इट इट विल रिमेन सेम इट विल नॉट चेंज्ड।

पीछे पढ़ के आए हैं वी कैन यूज द वेट ऑफ द बॉडी एज द मेयर ऑफ मैथ ऑफ द बॉडी जितना किसी बॉडी का मैथ ज्यादा होगा स्टूडेंट्स किसी भी गिवन प्लेस के ऊपर उतना ही उसका वेट ज्यादा होगा इसीलिए तो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ बैग है एक है स्टूडेंट्स टू के जी सेकेंड साइड पे एक बैग है आपके पास फोर के जी एंड थर्ड साइड पे आपके पास बैग है एट के जी अब आप तीनों बैग्स को जब उठाते हैं पिक करते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ या समझ लीजिए कि आप जब उसको हल्का सा उठाने की कोशिश करते हैं

यू आप एट की जी बैग में आपको ज्यादा वेट महसूस होगा ठीक है ज्यादा अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू इट्स मैश और ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे की तरफ बिकॉज गिवन प्लेस के ऊपर जी जो है वो तो कांस्टेंट है बट मैश बढ़ रहा है तो गिवन प्लेस के ऊपर जब मैश बढ़ता है तो वेट भी इंक्रीज करता है बट यू शुड रिमेंबर दैट गिवन प्लेस के ऊपर ठीक है तीन तरह के अपने बैग लिए सबसे ज्यादा वेट आपको एट की जी बैग के अंदर महसूस होगा तो कीप इन माइंड एट ए गिवन प्लेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम और रिलेशन आप कुछ यूं भी रिलेट कर सकते हैं इसलिए गिवन प्लेस के ऊपर जितना ज्यादा एक चीज की क्वान्टिटी ज्यादा होती है जितना मेटेरियल की क्वान्टिटी ज्यादा होती है उतना ही स्टूडेंट्स उसका वेट ज्यादा होता है द फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स चूंकि वेट के बारे में हमने बात की कि एट इज वाट वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स which attract the object toward the center of the earth if it is a force then it means we will also calculate that weight force or can weight a force weight is a force weight is force then we will also measure this force in newton तो फोर्स को हम किस में मैर करते हैं न्यूटन में मैर करते हैं मैस को हम किस में मैर करते हैं किलोग्राम में सेकेंडली हमने देखा कि इज कांस्टेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट द वेट इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइए स्टूडेंट्स अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं एक मैसेव uh, ब्लॉक है जिसका मैथ है टू के जी स्टूडेंट्स इस ब्लॉक को जब हमने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा तो सरफेस पर ऑफ द अर्थ पे रखते हुए हमने देखा जब हमने इसका w कैलकुलेट किया इज इक्वल टू mg 2 kg मास का वेट देखा गया दैट इज अबाउट 19.6 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा था 2 kg मास के ऊपर जब इसको हमने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा था लाइक like, ये ऑब्जेक्ट है मैंने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा है इसी तरह इस ब्लॉक को जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा तो 19.6 न्यूटन फोर्स जो है जी मास के ऊपर एक्ट कर रही थी लेट्स सपोज एफ आई पिक ऑब्जेक्ट टू मून इसको हमने मून पे लेके गए देन दिस फोर्स ओनली रिमेन टू थ्री पॉइंट थ्री न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द मून वाइट रिड्यूस्ड कीप इन माइंड स्टूडेंट्स चूंकि मैंने से पहले आपको कहा कि डब्ल्यू इज डायरेक्टली टू जी ऑन ऑन मून द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी 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 लेस दैट्स वाई द वेट फोर्स विल बी ऑल्सो वेरी वेरी लेस एक्ट ऑन दिस टू के जी मैस बट इन केस ऑफ अर्थ यहां पर कितनी वेट फोर्स लग रही होती है कितनी ग्रेविटी लग रही होती है इसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इतनी ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है किसी भी मैस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पर आप जानते हैं कि मून के ऊपर कितनी ग्रेविटी रह जाती है ठीक है वैल्यू ऑफ जी क्या होती है अर्थ के ऊपर जितना वैल्यू ऑफ जी होता है स्टूडेंट्स मून के ऊपर उसका छठा हिस्सा रह जाता है सिर्फ वन बाई सिक्स पार्ट ऑफ द जी रह जाता है यानी यू कह लीजिए कि मून के ऊपर जो आ, आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है दैट रिमेन ओनली वन बाई सिक्स पार्ट टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है मून के ऊपर उसका सिर्फ और सिर्फ वन बाई सिक्स पार्ट रह जाता है क्लियर ये हम बात करें ग्रेविटी ऑन मून की तो अगर ग्रेविटी का ग्रेविटी ऑफ मून को आप सिक्स पे डिवाइड कर दें तो ये आपको आंसर जो है स्टूडेंट्स बहुत बहुत डिक्रीज आंसर मिलेगा तो मून के ऊपर जो है वो वैल्यू ऑफ जी बहुत कम होती है दैट्स वाई वेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत कम रह जाता है थ्री पॉइंट थ्री न्यूटन लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है द मैस इज रिमेन सेम बट वेट इज़ वेरी 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 डिक्रीज इसी तरीके से अगर आप किसी डीप स्पेस पे ले जाएं मून से भी आगे ले जाएं इसको किसी डीपेस्ट प्लेनेट पे ले जाएं स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कम होते होते बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है और अगर आप ये कह दें कि डब्ल्यू जो है जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और आप जी जीरो कर देंगे तो वेट भी क्या हो जाएगा इट विल ऑल्सो जीरो जा सकता है कि जब आपने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा था इन दैट केस 19.6 पॉइंट सिक्स न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही थी जब आप मून पे लेके गए तो वहां पे वैल्यू ऑफ जी बहुत कम है ठीक है ग्रेविटी की वैल्यू वन बाई सिक्स पार्ट टू द थ uh, अर्थ you know, पे इतना वैल्यू है अगर आप इसका सिक्स uh, पार्ट लें इतना कम वैल्यू मिलेगा आपको ग्रेविटी का मून के ऊपर ठीक है सिमिलरली अगर आप डीपेस्ट स्पेस पे चले जाएं तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाती दैट्स वाई वेट विल आल्सो बिकम जीरो आइए अब हम अपने बारे में बात करते हैं कि जब हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं डेट केस वेट जो है ऑलमोस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स जब हमारा वेट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है और वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 560 न्यूटन 560 न्यूटन सपोज करते हैं कि 560 न्यूटन मैथ uh, uh, जो है 560 न्यूटन जो फोर्स है वो 56 सिक्स के जी के ऊपर एक्ट कर रहा है 56 सिक्स के जी मैथ इस फिफ्टी सिक्स के जी मैथ है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स इसी पर्सन को उठा के हम ले आए मून पे तो दोर्स इज ओनली रिमेन टू नाइनटी न्यूटन कैन यू टेल वाई बिकॉज द वेट इज डायरेक्टली अपोशन टू ग्रेविटी द ग्रेविटी इज जस्ट रिमेन 1 by 6 part to the gravity of Earth on the moon. That's why the value of g is very, very less on the surface of the moon. That's why the weight of that person is also getting less, less, less. इसीलिए मून पे जब हम आ, किसी पर्सन को लेके जाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उसका मैस कम हो जाता है इसका मतलब ये है कि उसका वेट कम हो जाता है मैस अगर उसका 56 सिक्स के जी ऑफ द अर्थ के ऊपर था तो 56 सिक्स के जी ही उसका मैस हमें मून के ऊपर मिलेगा ठीक so है सो दैट्स वाई लास्ट में लिख रखा है इट्स मैथ विल बी ऑलवेज 56 सिक्स के जी बट इट्स वेट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू दिस वैल्यू ऑफ जी वैल्यू ऑफ जी इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेट ऑफ दिल बी ऑल्सो चेंज फ्राम प्लेस टू प्लेस हमने कैल्कुलेट किया था कि आपके पास अगर किसी भी वन के जी मैस का वेट देखा जाए ठीक है वन के जी मैच का अगर आपको वेट देखा जाए तो हमने अभी कैलकुलेट किया अभी हमने मैथमेटिकली ये देखा था कि 9.8 न्यूटन वेट आपको मिलता है तो यहाँ पे जब हमने एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ ठीक है ये एक स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे इसके अंदर एक स्प्रिंग पाया जाता है जैसे ही हम मैस को सस्पेंड करते हैं इसके साथ तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन किस बेस पे होती है जितनी इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड की तरफ ठीक है तो ग्रेविटी इसको जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर खींचती है वन के जी मैस को उसके ऊपर नाइन पॉइंट एट न्यूटन का फोर्स लगाती है नाइन पॉइंट एट न्यूटन की फोर्स लगाती है इस वन के जी ऑब्जेक्ट्स पे ठीक है सिमिलरली अगर आप वन हंड्रेड ग्राम एप्पल की बात करें ठीक है आप सेम स्प्रिंग बैलेंस यूज करें तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वन न्यूटन फोर्स एक्ट करती है वन न्यूटन फोर्स तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सटेंशन जो थी स्प्रिंग की वो चलेगी टेन न्यूटन तक ऑलमोस्ट ठीक है जो इस वन के जी मैथ पैक्ट कर रही थी ये जो हंड्रेड ग्राम एप्पल है इसमें एक्सटेंशन थोड़ी सी हुई है ये किस पे डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स ये डिपेंड कर रही है मैथ पे क्योंकि हमने कहा था कि एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन प्लेस द डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैथ इस केस में वन के जी मैथ है ठीक है दैट्स वाई वेट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट uh, कर रहा वन की जी मैथ को गिवन प्लेस के ऊपर ये हंड्रेड ग्राम एप्पल है इन दैट सेंस इसके ऊपर गिवन प्लेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी दोनों में सेम है नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट बट मैथ दोनों का डिफरेंट है सो दैट्स वाई एट अ गिवन प्लेस एप्पल का मैथ कम है इसलिए जो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है वो भी कम प्रोड्यूस हुई यानी इसका वेट भी कम होगा और स्टूडेंट्स इसको हम वेट को मैर करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटली क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग ठीक है मैंने आपको शो कराने के लिए एक स्प्रिंग लिया हुआ है लेट शो यू देखिए ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ देखा जा सकता है ये न्यूटन फोर्स है इसके अंदर स्टूडेंट एक स्प्रिंग होता है ये देखिए मैं इसको दिखा सकता हूँ ये एक स्प्रिंग होता है ठीक है दि आर स्प्रिंग टैप अब इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन किस बेस पे आती है जितना एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है ये मैं सस्पेंड करूँगा इसके साथ अब इस ऑब्जेक्ट के मैथ्स पे डिपेंड करता है कि ये कितना एक्सटेंशन शो करता है ठीक है और जितनी एक्सटेंशन किस बेस पे शो करेगा जितना इस सब्जेक्ट का मैथ्स होगा नंबर एक नंबर दो जितनी ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि वेट दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है ठीक है तो हम अगर इसका वेट मेयर करना चाहते हैं तो ये देख ये रहे रे आपके पास वेट जीरो जीरो पॉइंट वन न्यूटन जीरो पॉइंट टू न्यूटन ये जो मेरे पास सेटअप है सिर्फ वन न्यूटन तक की फोर्स कैलकुलेट कर सकता है राइट साइड पर मेरे पास मैथ्स को कैलकुलेट करने की स्केल है जो कि ग्राम में गिवन है और राइट आपके पास लेफ्ट साइड पर मेरे पास न्यूटन फोर्स को कैलकुलेट करने की स्केलिंग है जो कि वेट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है सो लो गेट दैट स्टूडेंट्स अगर मैं इसको आपको शो कराऊं, ठीक है ये देखिए यहाँ पे ये पहले जीरो पे था ठीक है लेट शो यू ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल जो आपके पास फोर्स मौजूद है दैट इज अबाउट जीरो पॉइंट थ्री न्यूटन का वेट है ठीक है ये सस्पेंड हुआ हुआ है वर्टिकली लुक एट दैट और ऑलमोस्ट एट इज अबाउट 15 ग्राम ये 15 ग्राम का एक बॉल है ठीक है और उसके ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है ठीक है दिस इज अबाउट यू नो जीरो पॉइंट ऑलमोस्ट फोर न्यूटन सो so, ये ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे भी इसी तरीके से आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है आप देख सकते हैं कि इस स्प्रिंग पॉइंटर है ठीक है ये पॉइंटर नोट कर रहा है कि जब आपने इस ब्लॉक को इस मैस को जो है अटैच किया हुआ स्टोन को इसके साथ अब जो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग में आ रही है वो किस बेस पे आ रही है जितना इसका मैच होगा जितना इसका वेट होगा ठीक है डब्ल्यू इजिकल टू तो एम जी क्लियर तो ये एक्सटेंशन आती है जीरो से शुरू होती है एक्सटेंड होते होते ये जीरो पे आ चुका है ठीक है सिक्स पे आ चुका है सॉरी पॉइंटर इंडिकेट्स सिक्स तो इस का जितना मैच होगा उस पर सिक्स न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है स्टूडेंट्स सिक्स न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन दैट मैस जो इसको अटैक्ट करिए डाउनवर्ड सो स्टूडेंट दिस आर द फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैस एंड वेट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैथ्स इन वेट केयर लेक्चर कैसा लगा और इनकेस ऑफ एनी क्वेश्चन जस्ट पुट इट इन कमेंट सेक्शन आई विल गिव यू आंसर थैंक्स